नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बंदा बैरागी का इतिहास। जानकर आपके भी काँप उठेंगी रूहें। तो बंदा बैरागी कौन था ये जानेंगे। भारतवासी आज जो चैन की सांस ले रहे हैं और स्वतंत्रता में जी रहे हैं, ये हमारे देश के वीर सपूतों और महापुरुषों के बलिदान के कारण ही संभव हुआ है। उसमें से एक महापुरुष थे बंदा बैरागी, जिन्होंने अनेक अत्याचार सहकर भी संस्कृति को जीवित रखा। पर हम उनके बलिदान दिवस को ही भूल गए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर स्थित पूंछ जिले के रजौरी क्षेत्र में विक्रम संवत 1727 कार्तिक शुक्ल 13 अक्टूबर 1670, मतलब 27 अक्टूबर, शुक्ल 13 है, 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। वह राजपूतों के मिन्हास भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे और उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। उनके पिता का नाम रामदेव मिन्हास था। लक्ष्मण दास ने युवावस्था में शिकार खेलते समय एक गर्भवती हिरण पर तीर चला दिया। उसके पेट में एक शिशु निकला और तड़प कर वहीं मर गया। यह देखकर उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने अपना नाम मधुदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अनेक साधुओं में योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी मधोदास की कुटिया में आए। उनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। उन्होंने इस कठिन समय में मधोदास से वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त इस्लामिक आतंक से जूझने को कहा। इस भेंट से मधोदास का जीवन बदल गया। गुरु जी ने उसे बंदा बहादुर नाम दिया। फिर 5 तीर 1 निशान साहिब, एक नागड़ और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिन्हाने वाले सर हिंद के नवाब में बदला लेने को कहा। बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेज बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। बंदा सिंह को पंजाब पहुंचने में लगभग 4 माह लग गए। बंदा सिंह महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए नारनौल, हिसार और पानीपत पहुँचे और पत्र भेजकर पंजाब के सभी सिखों से सहयोग मांगा। सभी सिखों ने, यह प्रचार हो गया कि गुरु जी ने बंदा को उनका जत्थेदार यानी सेनानायक बनाकर भेजा है। बंदा के नेतृत्व में वीर राजपूत ने पंजाब के किसानों, विशेषकर जाटों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। उसने पहले जाट खेती बाड़ी किया करते थे और मुस्लिम जमींदार इनका खूब शोषण करते थे। देखते ही देखते सेना गठित हो गई। इसके बाद बंदा सिंह का मुगल सत्ता और पंजाब हरियाणा के मुस्लिम जमींदारों पर जोरदार हमला शुरू हो गया। सबसे पहले कैथल के पास मुगल कोषागार लूटकर सेना में बांट दिया गया। उसके बाद समान कुंजूपुर पूरा सडोरा के मुस्लिम जमींदारों को धूल में मिला दिया। बंदा ने पहले फरमान यह जारी किया कि जागीदारी व्यवस्था को खत्म करके सारी भूमि का मालिक खेतीहर
किसानों को बना दिया जाए। लगातार बंदा सिंह की विजय यात्रा से मुगल सत्ता कांप उठी और लगने लगा कि भारत में मुस्लिम शासन को बंदा सिंह उखाड़ फेंकेंगे। जब अब मुगल ने सिखों के बीच ही फूट डालने की नीति पर काम किया, उसके विरुद्ध अफवाह उड़ाई गई कि बंदा सिंह गुरु बनना चाहता है और वो सिख पंथ की शिक्षाओं का पालन नहीं करता। खुद गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी माता सुंदरी जो कि मुगलों के संरक्षण नज़रबंदी में दिल्ली में ही रह रही थी, से भी बंदा सिंह के विरुद्ध शिकायत की गई। माता सुंदरी ने बंदा सिंह से रक्तपात बंद करने को कहा, जिसे बंदा सिंह ने ठुकरा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ज़्यादातर सिख सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, जिससे उनकी ताकत कमज़ोर हो गई। तब बंदा सिंह ने मुगल का सामना करने के लिए छोटी जातियों और ब्राह्मणों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया। 1715 ई के प्रारंभ में बादशाह फारूक खसियर का शाही फौज ने अब्दुल सहमत खां के नेतृत्व में उस गुरुदासपुर जिले के धरीवाल क्षेत्र के निकट गुरु दास नगल गांव में कई मास तक घेरे रखा, पर मुगल सेना अभी भी बंदा सिंह से डरी हुई थी। अब माता सुंदरी के प्रभाव से बाबा विनोद सिंह ने बंदा सिंह का विरोध किया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किला छोड़कर चले गए। मुगल से समझौते और षड्यंत्र के कारण विनोद सिंह और उसके 500 समर्थकों को निकल जाने का सुरक्षित रास्ता दिया गया। अब किले में विनोद सिंह के पुत्र बाबा कहन सिंह किसी रणनीति से रुक गए, जिससे बंदा सिंह का सिख सेना की शक्ति अत्यधिक कम हो गई। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उसने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ साक्ष्य दावा करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और दो साहबजादों को धोखे से पकड़वाने वाले गूंगे काश्मीर ब्राह्मण रसोइयों के पुत्र राजा कौल ने बंदा सिंह को धोखे से किले से बाहर आने को राजी किया। मुगलों ने गुरुदास नंगल के किले में रहने वाले 40,000 से अधिक बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों को निर्मम हत्या कर दी। मुगल सम्राट के आदेश पर पंजाब के गवर्नर अब्दुल समंद खां ने अपने पुत्र जाकरिया खां और 21,000 सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में बाबा बंदा बहादुर को दिल्ली भेजा। बंदा को एक पिंजरे में बंद किया गया और उनके गले और हाथ पांव को जंजीरों से इस पिंजरे के चारों ओर नंगी तलवार लिए मुगल सेनापतियों ने थाम रखा था। इस जुलूस में 101 बैलगाड़ियों पर 7,000 सिखों के कटे हुए सिर रखे थे, जबकि 1,100 सिख बंदा के सैनिक कैदियों के रूप में इस जुलूस में शामिल थे। युद्ध में वीर गति पाए सिखों के सिर काटकर उन्हें भाले की नोक पर टांग कर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा बैरागी को मांस नोचा जाता रहा। मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्षी ने अपनी पुस्तक इफ्तारनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 101 कैदियों को जत्थे के रूप में दिल्ली की कोतवाली के बाहर कतलगाह के मैदान में लाया जाता था। काजी इन्हें इस्लाम कबूल करने या हत्या का फतवा सुनाते। इसके बाद उन्होंने जल्लाद तलवारों से
निर्ममता पूर्वक कत्ल कर देते। यह सिलसिला डेढ़ माह तक चलता रहा। अपने सहयोगियों की हत्याओं को देखने के लिए बंदा को एक पिंजरे में बंद करके कत्लगाह तक लाया जाता ताकि वह अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सके। बादशाह के आदेश पर 3 महीने तक बंदा और उसके 27 सेनापतियों को लाल किला में कैद रखा गया। इस्लाम कबूल करवाने के लिए कई हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। जब सभी प्रयास विफल रहे तब जून माह में बंदा की आग के सामने उसके एक एक सेनापति की हत्या की जाने लगी। तब वह प्रयास भी विफल रहा तो बंदा बहादुर को पिंजरे में बंद करके महारौली ने ले जाया गया। काजी ने इस्लाम कबूल करने का फतवा जारी किया जिससे बंदा ने ठुकरा दिया। बंदा के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके 4 वर्षीय अवध वाला पुत्र अजय सिंह को उसके पास लाया गया और काजी ने बंदा को निर्देश दिया कि यह वह अपने पुत्र को अपने हाथों से हत्या करे। जब बंदा उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो जल्लादों ने इस अबोध बालक का एक एक अंग निर्ममता पूर्वक बंदा की आँखों के सामने काट डाला। इस मासूम के धड़कते हुए दिल की सीना चीर कर बाहर निकाला गया और बंदा के मुंह में जबरन ठूस दिया गया। वीर बंदा तब भी निर्विकार और शांत बने रहे। अगले दिन जल्लाद ने उसके दोनों आँखें को तलवार से निकाल दिया। जब बंदा टस से मस ना हुआ तो उसका एक एक अंग हर रोज काट जाने लगा। अंत में उनका सिर काट कर उनकी हत्या कर दी गई। बंदा ना तो गिड़गिड़ाए और ना उन्होंने चीख पुकार मचाई। मुगलों की हर प्रताड़ना और जुल्म का उसने शांति से सामना किया और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने और इतनी यातनाएं सहन करने के बाद प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ना धर्म बदला और ना अन्याय के सामने कभी झुके। इस वीर महापुरुषों को आज हिंदुस्तानी भूल रहे हैं और देश को तोड़ने में सहायक हीरो हीरोइन क्रिकेटरों का जन्म अयाद होता है, लेकिन आज हम जिनकी वजह से स्वतंत्र हैं उनका जन्म दिवस याद नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है। इतिहास से हिंदू आज सबक नहीं लेगा, संगठित होकर कार्य नहीं करेगा और हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी तो फिर से विदेशी ताकतें हावी होगी और उन्हें प्रताड़ित करेगी। तो इसलिए कलयुग में संघे शक्तिर कलयुगे, संघ ही संगठन ही बचा सकता है, तो हिंदुओं को संगठित होकर रहना आवश्यक है। जय श्री राम।